मानसिक रोग, लावारिस, बेघर, बेसहारा तथा सड़क हादसे के पीड़ितों हेतु कार्यरत हित ज्योति फाउंडेशन ने फिर अपनी सच्ची समाज सेवा का परिचय देते हुए 2 वर्षीय बालिका का अंतिम संस्कार कर मानवता अब भी जीवित होने का परिचय दिया। राज्य के बुल्ढाणा जिले के खामगांव महामार्ग पर जनुना चौफुली के करीब बस व दुपहिया वाहन का 29 अप्रैल 2023 को हुए हादसे में माता पिता व 2 वर्षीय बालिका आराध्य को गंभीर चोटें आई थी। उन्हें इलाज हेतु स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, किंतु तीनों घायलों की अवस्था गंभीर होने से उन्हें उचित उपचार हेतु नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल रवाना किया गया, जहां 2 वर्षीय बच्ची आराध्य की हालत गंभीर होने से उसे नागपुर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कर उस पर इलाज जारी था। वहीं 4 मई 2023 को इलाज के दौरान आराध्य की मौत हो गई। पीड़ितों के परिवार की हालत ऐसे ना थी कि वे बच्ची का शव अपने गांव ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर सके। ऐसे में उन्हीं के परिचित कृष्णा घाड़ोर ने हित ज्योति फाउंडेशन के हितेश बंसोर से संपर्क कर उन्हें परिस्थिति बताई, जिसके चलते 4 मई की रात मेडिकल हॉस्पिटल नागपुर पहुंचकर हालतों को जायजा लेकर पीड़ित परिवार को दिलासा दिया कि कल सारी कागजी खाना पूर्ति कर हम मृतक बच्ची का अंतिम संस्कार करने हेतु आश्वासित करते हैं। वहीं 5 मई को हित ज्योति फाउंडेशन के संस्थापक हितेश बंसोर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हॉस्पिटल नागपुर पहुंचे। वहीं सभी कागजी कार्रवाई पूर्ण कर मृतक आराध्या का शव तथा उसके रिश्तेदारों को सावनेर लाकर राम गणेश गडकरी शमशान भूमि में रीति रिवाज से दफन विधि अंतिम संस्कार कर इंसानियत आज भी जिंदा है का परिचय दिया। हित ज्योति फाउंडेशन के संस्थापक हितेश बंसोर तथा उनके सहकारियों द्वारा किए गए इस कार्य की स्वतंत्र सराहना हो रही है। वही हादसे में पीड़ित परिवार के परिजनों ने नम आंखों से हित ज्योति फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। NBC न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।